नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं अपनी ससुराल, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और यार, वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां जब मायके जाती हैं अपने तो बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुका हूं क्योंकि मुझे अपनी ससुराल जानी है। लेकिन संजना अभी रेडी हो रही है, काफी टाइम से तैयार हो रही है, बहुत देर लगा रही है तैयार होने में। तो अभी हम दिखाते हैं, सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और यहाँ पे अभी देखते हैं रेडी हुई कि नहीं। क्या बात, तैयार? अभी ये देखो तैयार ही हो रही है, साड़ी पहननी रह गई अभी भी, पता नहीं, बैग तो पैक हो गया है लेकिन ये अभी पैक नहीं हो पाई है कपड़ों में। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपनी ससुराल, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी एकदम रेडी हैं हम लोग जाने के लिए, और आपको दिखाते हैं हम डिग्गी में क्या क्या लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गन्ना लेके जा रहे हैं, जिसपे ये पाती भी लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे गन्ना नहीं होता है बाराबंकी में। तो अभी जठवन आ रहे हैं तो पूजा जाता है गन्ना, तो इसलिए कहा था हमारी सासू माँ ने कि गन्ना ले आना एक दो पूजने के लिए। और साथ ही यहाँ पे गुड़ है, पापा बनवा लाए थे सुबह ही, एकदम ताज़ी ताज़ी गुड़ है, गुड़ भी वहाँ पे नहीं होती तो अच्छी अच्छी गुड़ बनवा लाए हैं पापा। तो ये चीज़ें ले जा रहे हैं, साथ ही इस बोरी में है पुराने कपड़े जो कि चौतनिया बनती है बच्चों के लिए, वो बनवाने के लिए इनकी मम्मी ने बोला था कि जो पुराने कपड़े होंगे तो कुछ ले आना, तो मैं बनाऊंगी चौतनिया, तो वो है इसमें। तो ये लेके चल रहे हैं, अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। अभी मम्मी और मोहिनी भी साथ में चलेगी क्योंकि मोहिनी को दिखाना है हॉस्पिटल में, कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी तो डॉक्टर के पास जाना है। तो अभी चलते हैं बस यहाँ से हम। तो बहुत देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी मम्मी और संजना मोहिनी। तो अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, 2 बजने वाला है तब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी पहुँच गए हैं चौराहे पे, 1 किलो मीठा ले लेते हैं और कुछ फिर चलते हैं। हैं लखनऊ हॉस्पिटल, यहीं पे मम्मी दिखा देंगे मोहिनी को, यहीं पे हम संजना को लाए थे तो इसलिए ले आए हैं मोहिनी को भी यहीं पे। चलो हम, तो देख सकते हैं आप, हम पिसवा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगी हुई है, हर जगह पे बहुत जाम है। और देखो हम कब तक पहुंचते हैं। एक ऐसे गुफा जैसा लग रहा है, जैसे कि रास्ता बनाया गया है। कितने अच्छे से पेड़ लगे हैं देखो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं महमूदाबाद, और ये महमूदाबाद का चौराहा है, इसका नाम क्या है चौराहे का? महमूदाबाद चौराहा नहीं, महमूदाबाद चौराहा नहीं नाम है इसका, नाम है दूसरा कुछ, मैं इस समय भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा। तो अभी यार यहाँ पे भी ट्रैफिक काफी ज्यादा है सामने, धीरे धीरे ये ट्रक वाला तो विश्वास है हमारे सामने चल रहा है, साइड भी नहीं दे रहा है जो हम निकल पाए आगे, और यहाँ पे भी धीरे धीरे चल रहा है, देखते हैं। टाइम तो आज बहुत लगने वाला है रास्ते में। याद आ गया गाइस, इस चौराहे का नाम ये है रमकुंडा चौराहा, महमूदाबाद में रमकुंडा चौराहा है, यहाँ से हमें सीधे जाना होता है फतेहपुर की साइड से, फिर हम पहुँचेंगे अपनी ससुराल। फतेहपुर से मुड़ना होगा। देवा है यहाँ से 17 किलोमीटर और उसके बाद घर है 9 किलोमीटर। और यहाँ देख सकते हैं फतेहपुर का मेला लगा है, क्योंकि देवा से जो खत्म हुआ है अभी फतेहपुर में लगा, और कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ बिसवा में लगेगा। ये देखिए दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं, इसी की वजह से ज्यादा ही जाम लग रही है, रोड पे ही पूरा मेला लग रहा है। और यहाँ पे क्रॉसिंग है सामने एक, तो वो भी बंद मिली है हमें, तो यहाँ पे और लेट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा है, अभी देवा है 15 किलोमीटर। देखो रावण मर गया, कुंभकर्ण भी मर गया, लेकिन इसकी लाश पड़ी है अभी यहाँ पे। अभी हम रुक गए हैं देवा से बाहर, है ना, तो खाने हैं पानी की बतासे। ये देखो ये सूखी है नदी, और इधर है पानी की बतासे, इनको खाने हैं, खिला देते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। ये देखो मरियारी,
अभी पहुंच गए हैं हम बरेठी चौराहा, जहाँ पे इनका घर है संगमा का। आयुष है इनके घर में, हमारा एक भतीजा, तो उसके लिए चॉकलेट ले लेते हैं पहले, फिर चलते हैं घर। बरेठी में अभी लोग रुक भी नहीं रहे, गांव वाले घर में रुक रहे हैं, तो गांव चलना पड़ेगा, पहले चॉकलेट ले लेते हैं। तुम्हारे लिए नहीं है, रख लो सिर्फ। ये हमारा बरेठी के घर है, लेकिन अभी यहाँ कोई रह नहीं रहा है, सब लोग गांव में है, तो हम लोग गांव चलेंगे। तो ये है वो रास्ता जो गांव तक जाता है, हम दिखाते हैं आपको। और ये नहर, छोटी सी नहर है जिसमें पानी भी चल रहा है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल। धक्का मार दिया साइकिल में, धक्का मार दिया। यहाँ पे बथुई बीन रहे बच्चे। यहाँ पे देखो आलू की टिक्की आ गई है, और यहाँ भी सबको पता है कि मैं ज्यादा चाय पीता हूँ, इसलिए देखो मेरी कप बड़ी आई है, संजना के लिए छोटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर हमारी ससुराल में। हम आए थे संजना को लेके, यार कल जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, जुकाम तो पहले से ही हमें है, लेकिन बुखार भी आ गया, सिर दर्द भी होने लगा था बहुत तेज। तो रात में कुछ सूट भी नहीं किए थे, बस जल्दी से खाना खा के लेट गए थे, दवाई खा कर सो गए थे, और अभी सुबह उठे हैं, चाय नाश्ता हमारा हो गया है, और छत पर टहल रहे थे अभी। तो हम आपको एक बार यहाँ का गाँव भी दिखाते हैं कैसा है ये। तो अभी हम चलेंगे, मम्मी का चश्मा लेना है, यहाँ बाराबंकी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मम्मी ने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो वहाँ पे चश्मा एक लेना है मम्मी का, तो वो ले लेंगे। और संजना यहीं पे रुकेंगी, हम चलेंगे घर, संजना कुछ दिन यहीं पे रुकेंगी, जो जितने दिन उनका मन करता है, 8-10 दिन या 15 दिन, तो यहीं रुकेंगी और मैं अपने घर पर। ये देखो अपने घर पे हैं, तो कितना लेट में नहाई, अभी नहा के आई हैं देखो, और मैं पहले से ही फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर चुका हूँ। हाँ तो नहाया नहीं हूँ बस, लेकिन वहाँ पे तो मॉर्निंग में नहा लेती थी। अरे आयुष बेटा देखो अपनी ड्राइंग दिखा रहे हैं हमें, ये देखो इनकी ड्राइंग है। बुआ बनाती नहीं है, एक दिन बनाई थी, फाड़ दिए हम, तब से बनाती ही नहीं है। बनाए थे तो तुम फाड़ दिए थे। पैसा दो, पैसे। हाँ पैसे मिलेंगे, रो पैसे बुआ से ले लेना, ठीक। बाय बाय। तो मैं अभी निकल लिया हूँ अपने ससुराल से वापस जाने के लिए। वैसे अभी मुझे जाना है माती, जहाँ पे मम्मी का चश्मा लेना है, मम्मी ने ऑपरेशन जहाँ पे कराया था वहाँ पे, तो वो चश्मा ले लेते हैं, फिर वापस हम यहाँ से चलते हैं सीधा अपने घर। सामने दिख रहा विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल, यहीं पे हमें चलना है मम्मी जी का चश्मा लेने। ये चश्मा है ये। तो दोस्तों चश्मा मिल गया है यहाँ पे मम्मी जी का, और अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ। वैसे नया हॉस्पिटल बना है यहाँ पे, इसकी मेन ब्रांच है बाराबंकी में, और ये बाराबंकी से थोड़ा दूरी पे सफेदाबाद के पास में बना है जस्ट ये। तो यहाँ पे अभी भीड़ वगैरह कम है, इसलिए जल्दी से चश्मा भी मिल गया है, और अब चलते हैं हम सीधा अपने घर। तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर, और इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।